एक सवाल, क्या दौलत तख्लीक भी की जा सकती है? इसका जवाब है हाँ। बिलाशुबा सोना तख्लीक नहीं किया जा सकता, ना चांदी, तांबा, पित्तल और कांसी, मगर मेहनत करके अच्छी फसल हासिल की जा सकती है, जिसे धातुई करेंसी में तब्दील किया जा सकता है। इस तरह मेहनत करके, टेक्नोलॉजी में तरक्की करके ऐसी अशिया बनाई जा सकती हैं जो मंडी में अच्छी कीमत दे जाएं। मेहनत करके सोने चांदी वगैरह की कानों से दौलत हासिल की जा सकती है, यानी दौलत मेहनत से तख्लीक होती है और मेहनत करने वाले मजदूर ही हमेशा से दौलत के तख्लीक करने वाले रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से ही खाम माल काबिल इस्तेमाल चीज़ की शक्ल पाता है और इस्तेमाल की जगह तक पहुँचता है। दौलत से जो भी चीज़ खरीदी जाती है उस पर कोई मेहनत कर चुका होता है। मजदूर के लिए दौलत खून पसीने की कमाई या खून जिगर की कमाई है, मगर करेंसी छापने वालों में कोई ख़ास मेहनत नहीं होती और छापने वालों को यह दौलत बग़ैर मेहनत के मिल जाती है, यानी हवा में से दौलत तख्लीक की जा सकती है। मेहनत करके दौलत हासिल करना दौलत कमाना कहलाता है और ये हक सिर्फ एक को हासिल है, मगर बग़ैर मेहनत के दौलत तख्लीक करने का हक नाजायज़ हक महज चंद लोगों को हासिल है जो बेहद अमीर हो चुके हैं। ये लोग मरकजी बैंकों के मालकान हैं। तकरीबन 100 साल पहले किसी मुसन्नफ़ ने बैंक मालकान के बारे में लिखा था कि दुनिया में जितना सोना है इससे ज़्यादा करेंसी है और जितनी करेंसी है इससे ज़्यादा दौलत है। सोना करेंसी की बुनियाद है, करेंसी दौलत को मुंतकल करती है। जो कोई भी करेंसी को तख्लीक करता है वो दुनिया भर की दौलत की मुंतकली को कंट्रोल करता है। अगर आप दूसरों की दौलत कंट्रोल कर सकते हैं तो जल्द ही आप इस दौलत के मालिक भी बन सकते हैं। तो आइए हम माजी की कुछ करेंसियों के बारे में बात करते हैं। माजी में बहुत सारे मुख्तलिफ अशिया रकम या करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, जिनमें मुख्तलिफ तरह की सिप्पियाँ, चावल, नमक, मसाले, खूबसूरत पत्थर, औजार, घरेलू जानवर और इंसान नुमा कनीज़ें, गुलाम शामिल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़माने तक चीन में चाकू करेंसी की हैसियत रखता था। अफ्रीका में हाथी के दांत करेंसी का दर्जा रखते थे। पहली जंगे अजीम तक नमक और बंदूक के कारतूस अमेरिका और अफ्रीका की बाज़ हिस्सों में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। दूसरी जंगे अजीम के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट का महाना किराया सिगरेट के 2 पैकेट था। जजायर फिजी में 19वीं सदी तक सफ़ेद हूत के दांत बतौर करेंसी इस्तेमाल होते थे। एक दांत के बदले एक कश्ती खरीदी जा सकती थी या खून बहा या मेहर अदा किया जा सकता था। अंगोला की खाना जंगी 1975 से 2002 के दौरान बेर की बोतलें बतौर करेंसी इस्तेमाल हुईं। ईरान में कभी कभार अदायगी ज़ाफ़रान की शक्ल में की जाती थी। माजी में तंबाकू, खुश्क मछली, चाय, चीनी और चमड़े के टुकड़े बतौर करेंसी इस्तेमाल होते थे। तारीख बताती है कि सोना बादशाहों की करेंसी रहा है, चांदी अमरा और शरफा की करेंसी हुआ करती थी। चीज़ के बदले चीज़ का निज़ाम यानी बार्टर सिस्टम किसानों और मज़दूरों की करेंसी थी और कर्ज गुलामों की करेंसी हुआ करती थी। कागज़ी करेंसी से मुराद ऐसी चीज़ होती है जिसके बदले दूसरी चीज़ें खरीदी या बेची जा सकती हैं। अगर ये चीज़ कागज़ की बनी हुई है तो कागज़ी करेंसी कहलाएगी। माजी में करेंसी मुख्तलिफ धातुओं की बनी होती थी, अब भी छोटी मालियत के सिक्के धातुओं से ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की इजाद के बाद कागज़ी करेंसी बतदरीज डिजिटल करेंसी में तब्दील होती जा रही है। 3.5 साल की मुद्दत से 5,600 मील का सफ़र तय करके जब मई 1275 में मार्को पोलो पहली दफ़ा चीन पहुंचा, तो 4 चीज़ें देखकर बहुत हैरान हुआ। ये चीज़ें थीं जलने वाला पत्थर, कोयला, ना जलने वाले कपड़े का दस्तरखान, कागज़ी करेंसी और शाही डाक का निज़ाम।
مارکو پولو لکھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبلائی خان کو کیمیا گری یعنی سونا بنانے کے فن میں مہارت حاصل تھی۔ بغیر کسی خرچ کے خان ہر سال یہ دولت اتنی بڑی مقدار میں بنا لیتا تھا جو دنیا کے سارے خزانوں کے برابر ہوتی تھی۔ لیکن چین سے بھی پہلے کاغذی کرنسی جاپان میں استعمال ہوئی۔ جاپان میں یہ کاغذی کرنسی کسی بینک یا بادشاہ نے نہیں بلکہ پکوڈا نے جاری کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کاغذی کرنسی موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جولائی 2006 کے ایک جزیرہ ویسل بلور کی ایک مضمون کا عنوان ہے کہ ڈالر جاری کرنے والا امریکی سینٹرل بینک فیڈرل ریزرو اس صدی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بینک مالکان پوری دنیا کے مالک ہیں، اگر یہ دنیا ان سے چھین بھی جائے لیکن ان کے پاس کرنسی بنانے کا اختیار باقی رہے تو وہ بھی جنبش قلم سے اتنی کرنسی بنا لیں گے کہ دوبارہ دنیا خرید لیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بینک مالکان کی غلامی کرتے رہو اور اپنی غلامی کی قیمت بھی ادا کرتے رہو تو بینک مالکان کو کرنسی بنانے دو اور قرضے کنٹرول کرنے دو۔ بینجمن ڈی اسرائیلی نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کے عوام بینکاری اور مالیاتی نظام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ یہ سب جانتے تو مجھے یقین تھا کہ کل صبح سے پہلے بغاوت ہو جاتی۔ 1938 میں کہا تھا کہ مجھے کسی ملک کی کرنسی کنٹرول کرنے دو، پھر مجھے پرواہ نہیں قانون کون بناتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔